तो दोस्तों सीधा सीधा ये दो उंगलियों के बीच में नाभि का स्थान रहता है, ये दो उंगलियों के बीच में नाभि का स्थान रहता है। इसको जय हिंद दोस्तों, जय महाकाल, स्वागत है आपका पहलवानी वर्सेस बॉडी बिल्डिंग चैनल पर। दोस्तों बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि नेवल डिस्प्लेसमेंट के ऊपर कुछ वीडियो बनाइए, उसको सेट करने का कुछ आसान तरीका बताइए। दोस्तों मैं आज आपको नाभि से कैसा सेट करना वो तो बताऊंगा, उसके साथ आपको ऐसे अभ्यास बताऊंगा जिससे कि आपकी नाभि एकदम स्ट्रांग हो जाएंगी, कभी सरकेंगी नहीं। जिनको नाभि सरकने की ज़्यादा परेशानी है वो इससे 100% क्यों रहेंगी। नाभि है छोटी सी लेकिन उसका काम बहुत ज़्यादा है, आपके 72,000 नस नाड़ियों को उन्हें कंट्रोल में रखती। अगर वो ज़रा सा भी ऊपर नीचे हो गई तो आपको अपचन हो सकता, गैस ट्रबल हो सकता, पेट में दर्द हो सकता। यानी अगर आप छोटा सा छोटा वज़न या 5 से 10 किलो का भी वज़न उठाते वक्त आपको पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता और आपको खाना हजम नहीं होगा, जो खा रहे वैसे ही निकल जाएगा, इसकी ये पहचान है। तो दोस्तों अपन आज नाभि को सेट करते हुए उसको कैसा जागृत करेंगे। देखिए दोस्तों, रावण एक महापंडित था, महाज्ञानी था, आयुर्वेद आचार्य था, नाभि का उसको जितना मालूम था शायद ही किसी और को मालूम था भगवान राम के बाद में। उसकी शक्ति का केंद्र उसकी नाभि थी और अपनी भी शक्ति का केंद्र, जब अपन माँ के पेट में रहते तो नाभि से अपने को खाना मिलता, पानी मिलता, जो जो भी पौष्टिक तत्व है वो अपने को नाभि के द्वारा ही मिलते। तो नाभि अपने लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको ऊर्जा, इसकी ऊर्जा बढ़ाने के लिए कई सारे अभ्यास है, इसको सेट करने के लिए कई सारे प्रयोग है। मैं आपको आसान से आसान तरीका बताऊंगा आज के वीडियो में और साथ ही साथ ऐसे अभ्यास बताऊंगा कि आपकी नाड़ी कभी सरकेंगी नहीं। ऐसा बहुत कम मोमेंट आएगा आपके लाइफ में कि आपको शायद ही कभी नाभि सरकेंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का अभ्यास। इस अभ्यास के लिए आपको चाहिए दो समतोला मुखी, उसके बाद दूसरा अभ्यास। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये देखिए दोस्तों, दो समतोला मुखी लेने के बाद में इसको मारा जाता है वज्रभाती, यानी एक पैर उठाते हुए आप पीछे से भी उठना और आपकी नाभि को एकदम स्ट्रांग करते हुए श्वास बाहर फेंकते हुए सांस की आवाज आना, कपालभाति जैसा अपन करते हैं सेम प्रोसेस इसमें भी समतोला मुखी के साथ। दोस्तों इससे आपकी नाभि लाइफ में कभी नहीं सरकेंगी, इतनी मेरी गारंटी। और जिनको अपचन की शिकायत, कब्ज की शिकायत, और स्पेशली ये काम करता है पैनक्रियास के ऊपर, मधुमेह तो इससे करीब नहीं आएगा, दूर दूर कोसों दूर भागेगा। जिनको लीवर और पैनक्रियास में स्पेशली शिकायत रहती इसका अभ्यास वो जरूर करें। जो भी खाना खा रहे हैं आप बहुत जल्दी से इसको हजम हो जाएगा और इसको स्लो थोड़ा 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 आराम से भी कर सकते हैं कुंभक लगा के। जितना आप कुंभक लगाएंगे आपकी, जितना आप कुंभक लगाएंगे उतना ही आपको शक्ति प्राप्त होगी, उतना ही आपकी नाभि जागृत होगी। आराम आराम से करिए इसको, पहले ऊपर आने के बाद कुंभक ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा श्वास आपकी रोकने की कोशिश कीजिए, जितना हो सके उतना उठिए, ज़्यादा जोर मत डालिए, आराम से कीजिए, बिल्कुल आराम आराम से। जैसे जैसे आप इसमें पारंगत होते जाते हैं, जैसे जैसे आपके अंदर शक्ति का प्रभाव बढ़ते जाता है, शक्ति आपकी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे समतोला मुखी को आप वज़न बढ़ा सकते हैं। इसका एक और अभ्यास दोस्तों जो कि बताऊँगा मैं भी। वज्रभाती देखिए दोस्तों, यह है पत्थर का गोला, 200 से 250 साल पुराना। इसके अपने अपने अलग अलग अभ्यास है जो कि आने वाले वीडियोस में आपसे शेयर करता रहूँगा। इसको आज भी स्पोर्ट्स का एक हिस्सा है, इसको आज भी लोहे का बना के इसको फेंका जाता है, आपको मालूम होगा वो गेम। और नाभि के अंदर इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है। जब आप अच्छे से पारंगत हो जाए, जो इससे पहले मैं अभ्यास बताया वो अभ्यास में पारंगत होने के बाद ही इस पत्थर के गोले का अभ्यास कीजिए आपने, तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। तो देखिए आराम से इसका अभ्यास कैसे किया जाता है। ये देखिए दोस्तों, जमीन पे आपको सीधे लेट जाना है और आपके सीधे सीधे नाभि के ऊपर ये पत्थर का गोला लगाना है।
पेट के सारे श्वास खींचना है ऊपर और आराम से श्वास छोड़ना है, जितना हो सके उतना छोड़ना है। ध्यान रखिए आपकी नाभि एकदम घट होने के बाद में ही इसका अभ्यास करिए, नहीं तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। नाभि एकदम रावण की तरह हो जाना, ऊर्जा विषम के अंदर जितनी ज्यादा आएंगी, जब अपन माँ के पेट में रहते तब अपनी शक्ति का केंद्र, भोजन का केंद्र सिर्फ और सिर्फ नाभि रहती। आज के ज़माने में नाभि यानी जो नाल रहती थी पहले बच्चों की, वो नाल के सहारे आज बड़े बड़े ट्रीटमेंट्स हो रहे, तो नाभि को आप लोग हल्के में मत लीजिए। आपको समझ में नहीं आता वो नाभि कब सवर करी, जैसे पेट में दर्द होता नाभि चेक करने का एक बहुत ही आसान उपाय जो मैं आपको अभी बताऊँगा, लेकिन ये पत्थर के गोले का अभ्यास बहुत आराम से कीजिए आप। आइए बढ़ते हैं अगले अभ्यास की ओर। तो दोस्तों पता कैसा लगा कि अपनी नाभि सरकवी है, या अपने को खाली अपना भ्रम है पेट में दर्द हो रहा, या गैस ट्रबल हो रहा, या कुछ और? इसका बहुत ही आसान उपाय है दोस्तों, आपके दो कभी भी हाथ लीजिए। हाथ लेने के बाद ये जो हृदय रेखा बोलते हैं इसको, ये हृदय रेखा बोलते हैं दोस्तों इसको, ये वाली जो लाइन है, ये चार उंगलियों के नीचे से जो लाइन आ रही, इसको हृदय रेखा, इसको आप कभी भी अपनी उंगली, अपनी छोटी उंगली को देख लीजिए, ये लाइन देख लीजिए, ये लाइन देख लीजिए और ये लाइन देख लीजिए, ये हमेशा समान में रहना। इन्हें अगर ऐसा वैसा रही तो इसका मतलब है कि आपकी नाभि सरकवी है। अगर आपके ऊपर के उंगलियां जुड़वे है और इन्हें अगर ऐसा है तो आपकी नाभि जुड़वी है, जो सरकवी है। ये लाइन्स पूरे एक समान रूप में रहना, अगर इन्हें ऐसा सरकवी ऊपर या नीचे, तो जो हाथ की अगर आपकी नाभि सरकवी है, जैसे कि ये नाभि ऊपर हो गई, तो दोस्तों सीधा सीधा ये दो उंगलियों के बीच में नाभि का स्थान रहता, ये दो उंगलियों के बीच में नाभि का स्थान रहता। इसको पकड़ के आकाश चित्र, ये देखिए दोस्तों, ऐसा मापना, नाभि सरकवी नहीं है, नाभि बराबर है, दोनों हृदय रेखा आपस में मेल खा रही है। अगर इन्हें ऐसा रही तो इसका मतलब इन्हें ऊपर चढ़वी है, अगर ये ऐसा रही तो इन्हें ऊपर चढ़वी है। तो इसके लिए जो भी नाभि सरकवी रहती ऊपर से या नीचे से, ये जो दो उंगलियां हैं, ये दो उंगलियों के बीच में हृदय रेखा तक यहाँ पर एक इसकी नस रहती है, ये नस अगर आप ऐसे दबाएंगे तो आपको अच्छे से फील होंगी। आपकी जो मजबूत उंगली है उसको ऐसा फोल्ड करके यहाँ पर दबाना है आपको, वो नस को दबा के ऐसा खींचना है, यानी ऐसा नीचे की ओर खींचना है। खींचने के बाद उसको देखिए आप बराबर आ जाएंगे। अगर ऐसा भी नहीं आ रहा तो इसका एक और प्रयोग, ये अगर आप ऐसा नाभि देख लिए, ये चढ़वी है यानी ऐसा ऊपर चढ़वी है, तो आपका हाथ ऐसा लगाइए, आपका हाथ लगा के थोड़ा सा ऐसा झटका दीजिए, नाभि बैठ जाएंगी, नाभि एकदम बैठ जाएंगी। अगर ये चढ़वी है तो हाथ ऐसा नहीं रखना है दोस्तों, हाथ ऐसा रखना है, हाथ ऐसा रख के उधर एक झटका देना है बस। वापस से देखिए जो भी नाभि सरकवी है वापस आ जाएंगी, जैसा मैं इनके ऊपर इनकी नाभि अच्छी है तो भी प्रयोग किया, देखिए थोड़ा बाल से बारीक नाभि सरक गई इनकी। तो पैर इस शोल्डर के लेवल में आके हाथ और पैर, और हमेशा इसको खाली पेट करना। आप देखिए इनकी नाभि सर गई, इनको महसूस भी नहीं हो रहा, चावल के कण के बराबर सर की, ये देखिए नाभि सर गई। मैं इसको अभी सेट करता हूँ, ये ऊपर चढ़ गई, ये नीचे आ गई। तो देखिए दोस्तों ये लगभग आ गई, ये देखिए दोस्तों नाभि एकदम परफेक्ट वापिस से अपने स्थान पे आ गई। तो ये कुछ अभ्यास है दोस्तों, और कुछ जानकारी जितना हो सके उतना मैं आपसे शेयर करने की कोशिश किया। बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाकाल।